मौजूद हैं लखनऊ के आइनॉक्स मॉल में, जहां पर हमने गांधी को मार दिया आज फिल्म दिखाई जा रही है। इस फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता जतिन जी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है, हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये जो फिल्म है एकदम अलग तरह की फिल्म है। सर, ये फिल्म में जब काम करने का आपको ऑफर मिला, सर क्या कुछ सोचा आपने फिल्म को साइन करने से पहले? कुछ नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत अच्छी लगी, और डायरेक्टर साहब से बात करी और बहुत अच्छे लगे उनका जिस तरीके से वो बनाना चाहते हैं फिल्म को, इसलिए मैंने करी। जैसे कि सर, आजकल जो फिल्में हैं उनमें बहुत ही अलग अलग तरह की केमिस्ट्री है, बड़ा बूम शूम रहता है, डांस रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये एकदम सादगी भरी है। तो जैसा कि दौर चल रहा है, उस दौर में इस तरीके की फिल्म, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू? जनरली इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं, क्योंकि छोटे बजट पे है और पीरियड दिखा रहे हैं, 1948 दिखा रहे हैं, और एक आइडियोलॉजी है सारे कैरेक्टर्स की, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और पॉलिटिकल ड्रामा है, जो जनरली इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं। वही शायद एक वो करने का फिल्म का एक इंटरेस्ट भी था मेरा, जब हम एक पीरियड में जाकर उस टाइम पे उस टाइम पे उन लोगों की कैसी सोच थी और पॉलिटिकली क्या चल रहा था, और उसमें ये कैरेक्टर कहाँ फंस जाता है और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका ड्रास्टिक चेंज आता है कि उसकी थिंकिंग में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, अगर हम आज़ादी के समय का जो पीरियड था और इस समय का पीरियड है, इन दोनों समय में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है हमारे भारत में, तो आप उस टाइम पे जब आज़ादी का समय था, उस टाइम का कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या लगता था कि उस टाइम पे जो आज़ादी के परवाने थे वो किस तरीके का संदेश देना चाहते थे? क्योंकि आपने खुद एज अ उस समय में लेकर के आपने खुद को कैरेक्टर प्ले किया है, तो सर क्या कहना चाहते हैं आम यहाँ की आवाम को? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि 1947 की बात करें और 2018, इन जो टाइम गैपिंग है इसमें भारत काफ़ी बदल गया है। उस टाइम पे जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद करने का सपना देखा था, तो क्या कुछ वो चाहते थे कि जो अभी भारत बदला है, क्या उनके हिसाब से है? मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ऐसा कोई है नहीं जो आज़ादी के लिए दीवाना है या ऐसा। अच्छा, कुछ है जी, तो ये जो है इसकी आइडियोलॉजी बहुत अलग है और आप